हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी आरजू। मैंने कुछ महीनों पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम का रिव्यू। एक्चुअली मैं उस एंटायर रेंज को ही इस्तेमाल कर रही हूँ एंड काफ़ी महीने हो गए हैं मैं उस रेंज को ट्राई कर रही हूँ एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। सो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ उसका एक अपडेटेड डिटेल रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको इस रेंज को, इनफैक्ट स्पेसिफिकली इस नो हेयर कट क्रीम को किस तरह से इस्तेमाल करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस का जो एंटायर रेंज है उसमें तीन प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला है लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस रिस्टोरिंग शैम्पू और दूसरा है लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस डीटैंगलिंग कंडीशनर एंड द लास्ट एंड जो स्टार प्रोडक्ट है इस रेंज की वो है लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम। इस एंटायर रेंज की खासियत यही है कि इनमें वेजिटल केराटिन है और कैस्टर ऑयल है जो स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम को दूर करता है और हेयर को काफ़ी स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर एंड मैनेजेबल बनाता है। इससे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से होता है एंड यू ऑल हैव नोटिस्ड कि मैंने जब मेरा हेयर कट कर दिया था ना तो इतने शॉर्ट हो गए थे मेरे हेयर एंड अभी इतने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। सो आई एम कम्प्लीटली इन लव विद दिस एंटायर रेंज और मैं इस शैम्पू, कंडीशनर और ये नो हेयर कट क्रीम, इसे तो मैं डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर रही हूँ इस क्रीम को स्पेसिफिकली एंड मैं वीकली ट्वाइस या कभी कभार थ्राइस इस शैम्पू कंडीशनर को इस्तेमाल करती हूँ बट आई के नॉट लिव विदाउट दिस नो हेयर कट क्रीम। इस नो हेयर कट क्रीम को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ हीट प्रोटेक्टेंट बिफोर स्टाइलिंग योर हेयर, बिफोर यूजिंग एनी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, इट कैन प्रोटेक्ट योर हेयर अप टू 180 डिग्रीज ऑफ हीट, सो दैट्स अमेजिंग। मैंने अपने हेयर को वॉश किया है लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस शैम्पू से एंड फिर मैंने अप्लाई किया है इसी रेंज का ही, ड्रीम लेंस रेंज का ही कंडीशनर एंड फिर उसके बाद हेयर पर मैं अप्लाई कर रही हूँ इस नो हेयर कट क्रीम को। नो हेयर कट क्रीम में कोई सल्फेट एंड पैराबेन नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रीम। इस एंटायर रेंज में थ्री पावर इंग्रेडिएंट्स है एज द स्टार इंग्रेडिएंट्स फॉर हेयर केयर, जैसे वेजिटल केराटिन जो प्रोटेक्ट करता है हमारे हेयर को किसी भी हार्श ट्रीटमेंट्स से, डैमेज्ड टिप्स को एकदम सील कर देता है, कैस्टर ऑयल है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड हेयर को लॉन्गर, थिकर बनाने में हेल्प करता है एंड इसमें एसेंशियल विटामिन्स भी है जो स्ट्रेंथ ऐड करता है हेयर इंटरनली, हेयर को रिस्टोर करता है और ब्रेकेज को भी रिड्यूस करता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना अल्टीमेट सेवियर्स है हमारे लेंथ को रिस्टोर करने के लिए और स्प्लिटेंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्प्लिटेंस को रिड्यूस करने के लिए एंड दैट्स आई लव दिस एंटायर रेंज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये नो हेयर कट क्रीम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब शैम्पू करती हूँ उसके बाद एज अ लीव इन क्रीम ही नहीं मैं इसे कई तरह से इस्तेमाल करती हूँ, जैसे हीट प्रोटेक्टेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एज अ हीट प्रोटेक्टेंट ये अमेजिंग वर्क करता है एंड हेयर को डैमेज से, हीट से प्रिवेंट करता है। अगर कभी कभार एक इंस्टेंट कोई शूट आ जाता है या फिर यू ऑल नो आई एम अ न्यूज़ रीडर तो कहीं पर इंटरव्यूज वगैरह के लिए मुझे जाना पड़ता है और हेयर मैंने वॉश अच्छे से नहीं किया है, हेयर बहुत ज़्यादा ग्रीजी है, अनमैनेजेबल फ्रिजी है, तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ इस नो हेयर कट क्रीम को थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स में रब कर लेती हूँ एंड उसे अपने एंड्स पर अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ एंड उसे जो सॉफ्ट हो जाते हैं ना हेयर, ट्रस्ट मी जब आप उसे इस्तेमाल करोगे यू आर गोना लव दिस हेयर कट, नो हेयर कट क्रीम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड स्प्लिटेंस को ना एकदम सील कर देता है, स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम को तो बिल्कुल मेरा रिड्यूस हो चुका है क्योंकि मैं महीनों से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। सो यू ऑल कैन सी आई एम सो मच हैप्पी विद द रिजल्ट। बिफोर एंड आफ्टर क्लिप्स आप लोगों के सामने ही है, ये क्लिप मैंने कुछ महीनों पहले लिया था इसी सेम ड्रेस में एंड फिर कुछ महीनों बाद मैंने जब एक डिफरेंस नज़र आया मुझे तब मैंने ये फोटो क्लिक की है। सो यू ऑल कैन सी कि हाउ मच, कितना ज़्यादा ये डिफरेंस ऐड करता है। सो या यू ऑल कैन ट्राई दिस, मैन, वुमेन, टीनेजर सभी इस एंटायर रेंज को ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बात करते हैं इस एंटायर रेंज की प्राइसेस की। रिस्टोरिंग शैम्पू का प्राइस है 149 रुपीज फॉर 192.5 ml, डीटैंगलिंग कंडीशनर का प्राइस है 209 रुपीज फॉर 192.5 ml एंड माई फेवरेट नो हेयर कट क्रीम का प्राइस है 499 रुपीज फॉर 200 ml। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।